दोस्तों, आज से पहले आपने क्रिकेट इतिहास में बहुत बड़े और शानदार मुकाबले देखे होंगे, लेकिन भारत और श्रीलंका के ओडीआई सीरीज के इस आखिरी मुकाबले ने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मुकाबले के अंतिम ओवर ने सभी के होश उड़ा दिए और पूरी दुनिया भर से देख रहे प्रशंसकों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। दोस्तों, मुकाबले के अंतिम ओवर में विराट कोहली और रोहित शर्मा के आंखों में आंसू देखने को मिले और श्रीलंका के दिग्गज खिलाड़ी हसरंगा भी कप्तान रोहित शर्मा के गले लगकर रो पड़े। दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले के हाईलाइट का पूरा वीडियो दिखाएं, उससे पहले आप इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही तीन मैचों की ओडीआई सीरीज में भले ही भारत ने इस सीरीज के पहले दो मुकाबले जीतकर इस सीरीज को अपने नाम कर लिया है, लेकिन इस सीरीज के तीसरे मुकाबले ने भारत को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। दोस्तों, मुकाबले की शुरुआत भारत के टॉस हारने से और पहले गेंदबाजी करने के साथ होती है और भारत के लिए वैसे तो इस मुकाबले से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन दोस्तों यह मुकाबला भारत के वनडे वर्ल्ड कप को जीतने के सपने को चकनाचूर कर सकता था। दोस्तों, श्रीलंका की सलामी जोड़ी फर्नांडो और कुशल मेंडिस ने पहले ही ओवर से भारतीय गेंदबाजों को धोना शुरू कर दिया और पहले ही ओवर में 15 रन का स्कोर बना दिया और दोनों बल्लेबाजों ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 5 ओवर में टीम का स्कोर 53 रन तक पहुंचा दिया और भारत को अभी तक कोई सफलता नहीं मिली थी। लेकिन दोस्तों, छठे ओवर की पहली ही गेंद पर उमरान मलिक ने अपनी तेज रफ्तार से कुशल मेंडिस की गिलियां उखाड़ दी और कुशल मेंडिस को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लेकिन दोस्तों, मेंडिस के आउट होने के बाद भी भारतीय गेंदबाज श्रीलंका के बल्लेबाजों को रन बनाने से नहीं रोक पा रहे थे और श्रीलंका ने महज 15 ओवर में ही 150 रन का आंकड़ा पार कर लिया था और भारत को दूसरी सफलता 17वें ओवर में धनंजय के रूप में मिलती है और श्रीलंका ने भारत के सामने 20 ओवर में 210 रन के पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। दोस्तों, इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की सलामी जोड़ी रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने भी अपना आक्रामक रूप दिखाना शुरू कर दिया और महज 5 ओवर में ही 56 रन का आंकड़ा पार कर लिया। दोस्तों, बराबरी पर चल रहे इस मुकाबले के छठे ओवर ने भारत को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। असरंगा ने एक ही ओवर में भारत की सलामी जोड़ी को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद क्रीज पर थे विराट कोहली और श्रेयस अय्यर। दोस्तों, इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी विकेट बचाकर पारी को संभालते हुए 10 ओवर में 85 रन के स्कोर तक ले गए और अब भारत को 10 ओवर में 126 रन की दरकार थी। लेकिन दोस्तों, 12वें ओवर में भारत को एक और बड़ा झटका लगता है। दोस्तों, विराट कोहली एक आसान सा कैच देकर अपना विकेट गंवा देते हैं और अब बल्लेबाजी करने आते हैं केएल राहुल। दोस्तों, काफी समय से फ्लॉप रहे केएल राहुल ने पिछले मुकाबले में अपनी शानदार पारी के चलते भारत को जिता दिया था। अब भारत को आखिरी 5 ओवर में 70 रन की दरकार थी और दोस्तों, 16वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने अपना गियर चेंज करते हुए लगातार दो गगनचुंबी छक्के जड़ दिए और 16वें ओवर में 23 रन बना दिए। अब भारत भी मुकाबले में वापसी कर चुका था। रोमांच से भरे इस मुकाबले के अंतिम दो ओवर ने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। भारत को आखिरी 12 गेंदों में 38 रन की दरकार थी। दोस्तों, क्रीज पर दोनों बल्लेबाज सेट थे और 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर केएल राहुल ने छक्का जड़ दिया, जिससे भारत के जीतने की उम्मीदें बढ़ चुकी थी और दूसरी गेंद पर केएल राहुल एक सिंगल चुरा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, तीसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर एक शानदार शॉट लगाते हैं, लेकिन बाउंड्री के पास खड़े सनाका इस कैच को लपक लेते हैं और श्रेयस अय्यर के इस विकेट से भारत की मुश्किलें बढ़ जाती हैं, जिसके बाद भारत के पास आखिरी उम्मीद हार्दिक पांड्या क्रीज पर उतरते हैं और भारत को 9 गेंदों पर 31 रन चाहिए थे। दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने आते ही एक चौका और एक छक्का जड़ दिया और ओवर की आखिरी गेंद पर 2 रन चुरा लिए। दोस्तों, रोमांच से भरे इस मुकाबले के अंतिम ओवर में भारत को आखिरी 6 गेंदों में 19 रन चाहिए थे और क्रीज पर थे केएल राहुल और सामने थे श्रीलंका के बेहतरीन गेंदबाज हसरंगा। दोस्तों, केएल राहुल ने पहली गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का लगा दिया और दूसरी गेंद पर एक शॉट की मदद से 2 रन चुरा लेते हैं और अब भारत को आखिरी 4 गेंदों में 11 रन की दरकार थी और तीसरी गेंद पर एक चौका लगाकर इस मुकाबले का रुख मोड़ देते हैं। लेकिन चौथी गेंद डॉट निकलने के कारण भारत की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। अब भारत को आखिरी 2 गेंदों में 7 रन की दरकार थी और दोस्तों, पांचवी गेंद पर केएल राहुल वही कर दिखाते हैं जिसकी भारत को जरूरत थी। केएल राहुल पांचवी गेंद पर छक्का जड़कर मुकाबले को बराबर कर देते हैं और आखिरी गेंद पर भी छक्का लगाकर इस हारे हुए मुकाबले को भारत की झोली में डाल देते हैं। दोस्तों, केएल राहुल ने अपनी इस शानदार बल्लेबाजी से एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि वे कितने महान खिलाड़ी